प्रतापगढ़ में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में दो लोगों की मौके वारदात पर ही दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक को गंभीर हालत में डॉक्टर्स ने हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि इलाके के रायगढ़ गांव में तिलक समारोह में खाना बनाकर ये लोग आधी रात को वापस घर जा रहे थे। अभी लगभग 1 से 2 किलोमीटर ही ये पहुंचे थे कि बाइक बेकाबू हो गई और बाइक हाईवे किनारे मौजूद एक पेड़ से टकरा गई और दो कारीगरों की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं एक को गंभीर चोट आई है। पुलिस को घटना की जानकारी मिली तो सभी को लेकर ट्रॉमा सेंटर लालगंज पहुंची, जहां डॉक्टर ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया और घायल का प्राथमिक उपचार कर उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक दोनों शवों को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये घटना लालगंज कोतवाली के रायपुर तियाई चौराहे के पास की बताई जा रही है। इस बाबत ट्रॉमा सेंटर के ईएमओ डॉक्टर रोहित गुप्ता ने बताया कि रात में ये एक्सीडेंट हुआ था। इसमें 3 लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें 2 की हालत ज्यादा गंभीर थी और 1 घायल था। कल एक हादसा हुआ था जिसमें से 2 पेशेंट ड्रॉप डेड हुए थे, जिनके नाम है संदीप यादव और ये मोटा निवासी थे नॉर्थगंज के थाने के, और दूसरा पेशेंट था जिसका नाम था प्रमोद सिंह, वो 46 वर्ष के थे और धनवासा के रहने वाले थे, ये भी ड्रॉप डेड थे। और तीसरा व्यक्ति आया था जिसका नाम था रूपनाथ यादव, वो उसके हाथ में गंभीर चोट लगी थी जिसके वजह से उसका हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, जिसे हमने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें कि मृतक संदीप यादव जो प्रयागराज के नवाबगंज थाना इलाके के सीताकुंड का रहने वाला था, तो दूसरा मृतक परवीन सिंह और घायल रूपनाथ यादव बागराय थाना इलाके के धनवासा के रहने वाले हैं। घायल रूपनाथ यादव का हाथ टूट गया था और उनको गंभीर चोट आई थी, जिसके बेहतर इलाज के लिए उनको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़, उत्तर प्रदेश।